नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। साल 2022 में कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदलने चुके हैं और कुछ वहीं बदलने वाले हैं। इनमें राहु केतु भी थे जो करीब 1.5 वर्ष बाद अपनी राशि बदले थे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु दोनों को ही छाया ग्रह का दर्जा हासिल है। ये दोनों ग्रह हमेशा ही उल्टी चाल यानी कि वक्री गति से चलते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु के राशि परिवर्तन से सभी जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु शनि ग्रह की तरह ही बहुत शुभ या बहुत ही अशुभ परिणाम देते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु शुभ स्थान में होते हैं उसे यह नीचे से उठाकर सुख समृद्धि और सभी तरह के ऐसो आराम से जीवन जीने का मौका देते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में राहु उच्च भाव में बैठकर सफल करते हैं तो व्यक्ति समाज में काफी नाम और धन कमाता है। वहीं अगर कुंडली में राहु अशुभ घर में अगर बैठ जाए तो उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा ही गलत कार्यों में लगा रहता है। साल 2023 में अब हम सभी प्रवेश करने वाले हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब 2 महीने के बाद वो पल भी आ जाएगा। साल 2022 के खत्म होते ही राहु और केतु खुश हो चुके हैं जो कि ऐसा योग 600 साल बाद बना है। अक्सर राहु और केतु को लोग सही ग्रह नहीं मानते, उन्हें अशुभ ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन इस बार 2022 के खत्म होते ही राहु केतु 5 राशियों पर काफी मेहरबान है। ज्योतिष की माने तो 2023 में राहु और केतु 5 राशियों को काफी मेहरबान है। वैसे अगर देखा भी जाए तो राहु केतु को खुश करने के लिए लोग बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन इस बार खुद इतने साल बाद राहु इन 5 राशियों पर मेहरबान हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो 5 राशियां। मकर राशि, प्रथम राशि है मकर। इस राशि पर राहु केतु की कृपा है। इन राशि के जातकों का आत्मविश्वास शिखर पर रहेगा। इस राशि के लोग काफी सकारात्मक महसूस करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी काफी प्रभावित करेंगे। आपकी इसी प्रतिभा को देखकर आपको कोई सुनहरा अवसर भी मिल सकता है। इस बात का ख्याल रखें कि साझेदारी में आपको कोई भी काम ना करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। कर्क राशि, दूसरी राशि कर्क है। इस राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ है। यदि आप लंबे समय से अपने परिवार से दूर हैं तो आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। यह समय निवेश की दृष्टि से आपके लिए काफी अच्छा है। आपको इससे धन लाभ भी हो सकता है। मीन राशि, तीसरी राशि मीन है। इस राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी खास बात यह है कि यदि वो काफी लंबे समय से प्यार के बंधे हुए हैं तो उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। इस राशि के लोगों को खतरा राजनीति से हो सकता है। यदि हो सके तो आप इस साल राजनीतिक व्यक्तियों से दूर ही रहें, क्योंकि ये आपको खतरा पहुंचा सकता है। साथ ही इस राशि के लोगों को धन की कोई कमी भी नहीं होगी। सिंह राशि, चौथी राशि सिंह है। इस राशि के जातकों पर राहु और केतु की विशेष कृपा रहेगी। वो सारी खुशियां मिलने वाली हैं जिनकी आपने पहले उम्मीद भी नहीं की होगी। इस राशि के लोग जो भी काम करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि, अंतिम राशि मिथुन है। इस राशि के लोगों पर राहु और केतु काफी मेहरबान हैं। इस राशि के लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति मिल सकती है। जो भी आप काम करने जाएंगे वो सारे काम सफल होंगे। व्यापार से जुड़े मामलों में इस राशि के लोगों को काफी अच्छे होने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।